तो कैसे हो गाइस, हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ऐसे इमोट्स यहां से आप परचेज कर सकते हो और यहां से आप फ्री में आप जो है गेम खेल के पा सकते हो। जी गाइस, तो यहां पे चलो गेम स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से इमोट्स परचेज कर पाते हो या पर कहां से आपको मिशन के दौर पर मिलेगा। तो यहाँ पर गाइस हम कुछ गेम पे खेलते हैं जिसमें आपको दिखाऊँगा कि कहाँ से आपको ऐसे इमोट्स मिल सकते हैं। हालांकि मैं झूठ नहीं बोलूँगा गाइस, यहाँ पे हर किस नहीं मिलते, आपको जाना पड़ेगा आपके स्टोर में, स्टोर से ही आपको परचेस करना पड़ेगा या फिर आपके मिशन आगे मिलेगा। हालांकि ऐसा कोई अभी मिशन आया नहीं है जिसमें आपको इमोट्स मिलेंगे। जी हाँ गाइस, ऐसा कोई अभी तक मिशन आया नहीं जिसमें आपको इमोट मिलेंगे। हाँ, आगे और आएगा तो फिर फ्यूचर में देखा जाएगा, पर अभी के फिलहाल में अगर आपको इमोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्टोर में जाके वहीं से आपको परचेस करना पड़ेगा। जी हाँ गाइस, वहाँ से। तो गाइस यहाँ पर हमें एक और स्नाइपर मिल चुके हैं। गाइस यहाँ पर स्नाइपर का हमने मिशन रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हेडशॉट करें और हमारा जो डीजे गर्ल का कैरेक्टर है उसे हम एक्सेप्ट करें। तो गाइस यहाँ पे बंदा है, तो ये तो हमारा एक फ्रेंड है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हम दो फ्रेंड आ चुके हैं और यहाँ से गोलियाँ पड़ रही है, कहाँ से पड़ रही है। तो गाइस फटाफट से नीचे उतर जाते हैं जहाँ पर हेडशॉट हमें मिल जाए, क्योंकि ऊपर से तो क्या होगा गाइस, हर कोई ऊपर के नज़ारे में देखता रहेगा, नीचे से अगर किल देख तो मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो वैसे बताऊँ गाइस, ये आपका रिसोर्ट है जहाँ पे हम लैंड हुए थे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा किल चाहते हो तो आप गाइस यहाँ पे उतर जाइए। स्टार्टिंग में जैसे ही लैंड होता है विमान, जैसे आपके ओवर का सो बटन आता है तो आप सीधा उतर जाइए यहाँ पर, और तुरंत ही आपको एक दो किल तो मिल ही जाएंगे। ये देखिए गाइस पीछे से, ये तो सारा AI है गाइस। यहाँ से आपको अगर महसूस हो कि भाई मैं घर के दीवार में हूँ या फिर किसी और छत के नीचे हूँ जहाँ से मैं कवर था फिर भी गोली लग रही, तो गाइस समझ जाइएगा कि ये AI का काम रहेगा। आप इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करिए। अगर अच्छे से गेम खेलना चाहते हो तो गाइस जो लाइव प्लेयर है उनके सामने बैठ जाइए और तभी अच्छा लगेगा आपको। अगर आप गेम अच्छा खेलते हो तो आपको मज़ा आएगा, और नहीं खेल पाते हो तो गाइस एटलीस्ट आपको एक और चांस मिलेगा दूसरी बार उसके सामने खेलने का, और उस हिसाब से आपकी गेम भी इतनी अच्छी होती जाएगी। तो आई होप कि आप AI के सामने मत लड़िए, सीधा जो भी लाइव प्लेयर आते हैं उनके सामने लड़िए, तो क्या होता है एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। और तो वैसे आप एक और बंदे को मारते तो गाइस यहाँ पे ये तो था AI जो कि ज़्यादा हिल नहीं पा रहा था। अगर आपके पास सामने अगर एक प्लेयर आ जाए तो गाइस मज़ा आ जाए, क्योंकि प्लेयर के साथ जो हम भिड़न करते हैं तो उसमें मज़ा आता है कि वो बंदा कौन सी मूव कब करेगा ये पता नहीं चलता। तो इसी वजह से हमें क्या होता है कि जब आप रियल प्लेयर के सामने खेलोगे तो आपको मज़ा आएगा। तो गाइस अभी तो हमारा जो मिशन है हेडशॉट का, तो हम वही कम्प्लीट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किल हो ताकि हमारा जो क्लासिक विन है वो भी कम्प्लीट हो जाए, ताकि हमारा जो 12 मैच गाइस। हाल ही में मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करना चाहता, पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास iOS फ़ोन है तो आप प्लीज़ अपना स्कारफॉल गेम डिलीट मत करिएगा। जी हाँ गाइस, अगर आपने स्कारफॉल गेम डिलीट कर दिया तो आपका सारा का सारा डाटा चला जाएगा। जी हाँ गाइस, आपकी ID में अगर आपको पता है कि भाई मेरी ID यही है फिर भी आपका सारा का सारा डाटा चला जाएगा। हालाँकि अभी मेरे साथ यही हुआ था कुछ दिन पहले कि मैंने सारे के सारे मिशन जो थे क्लासिक मोड के जो 25 किल्स और TDM के 14 किल, तो गाइस ये सारे के सारे किल्स मैंने कर लिए थे ऑलरेडी, और सर्वाइवल के 20 किल्स, तो गाइस ये सारे के सारे किल मैंने कर लिए थे। उसके बाद आपके पास 12 क्लासिक मैच के विन होने चाहिए, 6 सर्वाइवल मैच के विन होने चाहिए और 90 TDM के मैच के विन होने चाहिए। तो गाइस ये भी हमने रिकॉर्ड कम्प्लीट कर लिया था, पर जैसे ही हमारा फ़ोन हमने स्कारफुल डिलीट किया उसके बाद से सारा का सारा डाटा रिसेट हो चुका गाइस, हमारा फिर से स्टार्ट हुआ। जी हाँ गाइस, हमारा कोई भी मिशन हमारे पास नहीं आया। हालांकि मेरे पास नया का एकदम नया जो स्कारफुल का गेम अगर डाउनलोड करोगे तो आपको जो मिलेगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलता था गाइस। तो मैं परेशान हो गया था कि भाई इतना सारा मेहनत करके मैंने अपनी जो लेवल था वो कम से कम 22 तक पहुँचाया था, और फटाक से गाइस एक नंबर पे आ गया है। यार ये मेरे को बहुत बुरा लगा कि भाई मैंने स्कारफॉल डिलीट किया, क्योंकि स्कारफॉल ज़्यादा क्या होता था गाइस, मेरे फ़ोन लैग होने लगा था, गर्म होने लगा था, तो
मैं हाई ग्राफिक्स में खेलता हूँ, तो एक बार इतना फ़ोन गर्म हो गया कि भाई तुरंत मैंने अपना फ़ोन जो है अपनी गेम में डिलीट कर दी थी। तो गाइस उसी वजह से मेरा प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि जब भी मैं अभी चालू करता हूँ तो यार वो महसूस होता है कि भाई मैंने अगर डिलीट नहीं किया होता तो आज मेरा जो लेवल है वो ऊपर रहता और मैंने सारे के सारे मिशन जो कम्प्लीट किए थे वो एज इट ही रहते। पर कोई नहीं गाइस, हम अभी भी वही मिशन कम्प्लीट करना चाहते हैं, जैसे हमारा ये 12 विन हो जाएंगे तो हमारा कैरेक्टर भी हमें मिलने का चालू हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि मेरे बहुत सारे भी वीडियो मैंने बना लिए हैं, जैसे कि क्लासिक का जो किल का रिकॉर्ड है वो मैंने कर लिया, सर्वाइवल का किल का रिकॉर्ड कर लिया। तो गाइस मैंने एक वीडियो में बताया था कि 42 किल्स मैंने एक स्टेडियम में किए हैं, आप देख सकते। सॉरी गाइस, स्टेडियम नहीं, क्लासिक सर्वाइवल मोड में। तो गाइस मैंने सर्वाइवल मोड में 52 किल्स करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि 52 किल्स गाइस सर्वाइवल मोड में 52 किल्स बहुत ज़्यादा होता है गाइस, आप 20 किल नहीं कर पाते जहाँ पर मैंने 52 किल्स किए थे। हालांकि ज़्यादा के ज़्यादातर प्लेयर तो नहीं आते थे गाइस, क्योंकि जो लाइव प्लेयर रहेगा वो वन टाइम ही आएगा। तो एटलीस्ट मैंने कम से कम 15-20 जो लाइव प्लेयर हैं उनको तो निपटा दिया था, बाकी के जो बचे थे वो 20 से 25 वो सारे के सारे AI थे शायद, क्योंकि मैं जैसे ही उन्हें मारता था वो तुरंत स्पॉन हो जाते थे, जैसे मारता था वो स्पॉन हो जाता था गाइस। ये तो मेरे को पता चल गया था कि ये सब के सब AI है, पर जो दूर से मेरे को मारते थे, जो जंप करते थे, जो कार लेके आते थे, उन सबको जो मैंने मारा वो सारे के सारे प्लेयर ही थे। हालांकि नाम को आप देख को पता चल जाएगा नाम देख के कि ये प्लेयर है नहीं है। तो ज़्यादातर गाइस हमारे जो डिस्कॉर्ड के फ्रेंड लोग हैं वही अभी तक हमारे सामने आए हैं, बाकी लोगों को हमने नहीं देखा है। जितने भी लोग हमने देखे सारे के सारे डिस्कॉर्ड सर्वर पर, जो हमारा एक सर कारपूल वाले सर ने एक डिस्कॉर्ड वाले अपने चैनल बनाया है, तो वहाँ पे अच्छे से बहुत सारे जो अपने फ्रेंड लोग हैं वो आते रहते हैं, तो उन्हीं के ज़्यादातर लोग हम इस गेम में देखने को मिल रहे हैं। तो सभी बेसिकली सबको जानते पहचानते अभी लगने लगे, क्योंकि एक ही टीम एक ही मेंबर में सब हम बातचीत करते हैं, ग्रुप में बातचीत करते, तो हमें एक अपना पर लगने लगता है कि भाई सभी ये गेम के फ्रेंड लिस्ट है, जो बाकी लोग जो यूट्यूबर्स है वो लोग भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो गाइस एक बड़ी बात है, तो यहाँ पे अभी हमें 9 किल मिल चुके गाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा बम उठा लेते हैं ताकि क्या हो गया गाइस लास्ट में हमें थोड़ा और मज़ा आए, जब भी हम रश करें तब तो हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स की जगह पे बम हो, तो क्या होगा गाइस उन बम में ज़्यादा रेडिएशन होता है, तो कहीं भागने जाएगा तो भी मारा जाएगा। तो गाइस अभी हम जेल के बाहर के एरिया पे है, गाइस किसी ने हमें मार दिया, और किसने को लेके बैठा था गाइस, हम कब से बाहर घूम रहे थे, वो अंधे का निशाना ताक के बैठा होगा कि भाई कैसे बंदा रुके, लेकिन मेरे को शायद सब फॉलो करता होगा। तो गाइस यहाँ पे हम पीछे कवर में उतर रुके और बंदे बचे हैं 10। तो गाइस यहाँ पे एक बंदा भाग के जा रहा था, तो गाइस हमारे पास अभी और गन है नहीं, तो हमें शॉर्ट गन से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये बंदा यहीं पर है, निकल गया गाइस निकल गया, कोई नहीं गाइस हम थोड़ा लूट को भागे, भागो 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 भाई जॉन आ गया, भागो भागो भागो। तो गाइस ये बंदा रहा, ये बंदा को मारना पड़ेगा गाइस। मिल जा किल मिल गया गाइस, एक और किल जो हमें मिल गया, पर हमारी जो हेल्थ है अभी डाउन होती जा रही है। और भाई मिल गया, देखो एक ही जगह पे लूट मिल गई, ओ भाई स्नाइपर थी गाइस, कोई नहीं ये बंदा सामने उतरा है। तो पहले गाइस स्नाइपर ढूंढते हैं कि स्नाइपर अगर मिल जाती है तो मज़ा आएगा। तो गाइस ये हमारे तीन फ्रेंड जो है वो यहाँ पे है एक ही जगह पे, तो ये बात बहुत अच्छी लगी कि भाई सारे के सारे फ्रेंड अभी भी जिंदा है और बचे 8 लोग गाइस। तो यस गाइस, तो आप देख रहे हो गाइस मैंने जो इमोट्स है वो अपना जो एड व्यू है उसको काउंट करके ये परचेज किया है, तो मेरे पास भी 3 घंटे के बाद चला जाएगा। अगर आपको भी इमोट्स चाहिए तो गाइस आप ऐसे ही कर सकते हो, आप इमोट्स के अंदर जाइए, इमोट्स पे आपको 3 घंटे का एड शो रहेगा या फिर आपका परफॉर्म हो रहेगा, तो उसके साथ साथ आपका वीडियो रहेगा। तो गाइस यहाँ पे अभी बात कर रहा हूँ कि जैसे जैसे ये जोन बढ़ रहा है तो यहाँ पे हमारे सिर्फ
एक बंदा बचा है क्योंकि हमारे 5 प्लेयर में से 4 प्लेयर तो लाइव है, बस एक बंदा बचा है। आई होप कि वो किल हमारे हाथ लग जाए तो गाइस मजा आए, क्योंकि एंड अगर अपन करेंगे तो मजा आएगा। ये देखिए गाइस भाई, लास्ट में अगर आप विन करते करते आप ये रिमोट्स करोगे तो मजा आ जाएगा गाइस। तो एक बंदा बचा है, ये लोग सभी उस तरफ भागे, तो गाइस देखते कि वो बंदा किसके हाथ में आता है। तो ये बंदा शायद से लैंड हुआ है, इसलिए ये गाइस हमारा जो फ्रेंड है वो बम लेके भाग रहा है। कोई नहीं, उसे मारने दो, हम थोड़ा डांस कर लेते हैं। या तो गाइस भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है ये इमोट्स का डांस करते हुए देख के। ये भाई देख रहे हो, जिसके पास नहीं है सिर्फ वो हाथ ही हिलाते रहेंगे, जंप करते रहेंगे। कोई नहीं गाइस, तो बंदा एक बंदा मिसिंग है, बाकी पब्लिक उसे ढूंढ रही है। हम मज़े से अपना जो गेम है उसे एंजॉय कर रहे हैं। आई होप गाइस कि आप भी इतना ही एंजॉय करते होंगे ये गेम। तो बंदा कहाँ है, बंदा कहाँ है, नहीं मिल रहा है। तो गाइस अभी छोटा सर्कल हो गया और वो बंदा कहीं से पता नहीं मर गया, फिर हमारे फ्रेंड लोगों ने मारा। तो ये गाइस हमारा जो विन था हमने कर लिया है, देखते गाइस कितने किल हुए। तो गाइस फिर मिलते हैं।